हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको X6 5G फ़ोन है, तो पोको X6 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को कैसे आप सेट कर सकते हैं पोको X6 5G फ़ोन में, और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं पोको X6 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर पाएंगे पोको फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको इसमें से जाना होगा सेटिंग्स आइकन पे, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप क्लॉक टाइमिंग वगैरह को सेट कर पाएंगे पोको फ़ोन में, तो सिंपली आपकी सेटिंग्स शो हो रही है। तो आपके पास साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स आ गई है, तो इस पर नहीं जाना है, आपको बैक करना है। बैक करते ही आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग्स पे। तो एडिशनल सेटिंग्स पे जाकर आपके पास डेट एंड टाइमिंग सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से जो भी टाइमिंग वगैरह आप सेट करना चाहते हैं होम स्क्रीन क्लॉक का, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जो भी टाइमिंग आप सेट करना चाहते हैं, और ओके करते ही टाइमिंग आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। आपका टाइमिंग आपके फ़ोन में सेट नहीं हो पा रहा, आपको टाइम नहीं पता है, तो इसको ऑन करते ही टाइमिंग आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जो भी टाइमिंग होगा ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली भी आप टाइमिंग को सेट कर सकते हैं और होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को भी सेट कर पाएंगे अपने पोको फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।